रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपने लीडर बनना है। लीडर वो होता है जो अपने अंदर तब्दीली का दरवाज़ा खोलता है। आपने सबक याद करना है, पहल करनी है और सच बोलना है हमेशा, सबके बीच में भी, अकेले में भी, और मुसलसल मेहनत करनी है। अपना दिल करे ना करे जो काम करने हैं वो करने हैं, और अच्छी आदतें सीखनी है। अच्छी आदतों में यह है कि अपने हाथ साफ करना, अपने दांत साफ रखना, अपना मुंह सुबह धो के आना स्कूल आने से पहले, अपने बालों में कंघी करना ताकि जुए ना पड़े। तो ये वो आदत हैं जो रोज़ हमें करनी है। सिर्फ एक दिन साफ नहीं रहना, कोई कहे ना कहे आपने सुबह उठ के मिसवाक करनी है, मुंह धोना है, अपनी नाक साफ करनी है और स्कूल में साफ़ सुथरे होके जाना है। तो आज हम काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग बाय टूज़। आपने दो दो नंबर को स्किप करना है। जैसे हम दो से शुरू हुए, दो में दो और जमा करें तो चार हो जाता है, यानी आपने दो अदद छोड़ के उसके आगे अदद लिखनी है। दो के बाद चार, चार के बाद छः, और छः के बाद दो स्किप और करेंगे तो ये बन जाएगा आठ। और इस तरह आप काउंट करते जाएं, आठ में दो और ऐड करें तो ये बन जाएगा टेन, और टेन में दो और ऐड करें, जमा करें तो क्या बन जाएगा, बारह। शाबाश। तो हम इसको कहते हैं काउंटिंग बाय टूज के दो दो आपने जमा किया, बारह के बाद चौदह, और चौदह के बाद दो स्किप किए आपने तो बन गया सोलह, और सोलह के बाद आ गया आपका नंबर अठारह। तो आप इस तरह से हंड्रेड तक पूरी करें काउंटिंग बाय टूज। इसी तरह आप काउंटिंग बाय थ्री भी कर सकते हैं। जैसे ये थ्री हैं, थ्री चेरीज हैं, और थ्री के बाद थ्री सिक्स आएगा, और सिक्स के बाद आप थ्री और ऐड कर दें तो नाइन आएगा। तो ये आप जो है खुद से करें, और फिर ये आपको 93 तक आपका काउंट बाय थ्रीज है। इसी तरह आप काउंट बाय फाइव भी कर सकते हैं। जैसे आपके एक हाथ की उंगलियां पांच हैं, पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, और ये आपकी वर्कशीट है, इसे खुद से कॉपी पे पूरा करें। इसी तरह ये एक बंच में एक फूलों का गुलदस्ता है, उसमें दस फूल हैं, तो हम काउंटिंग बाय टेन भी कर सकते हैं। तो दस फूल का गुलदस्ता एक जगह रखा, और उसके बाद दस फूल जो हैं वो दूसरे गुलदान में रखे तो ये बीस हो गए, और उसके बाद दस फूल जो हैं वो तीसरे गुलदान में रखे तो ये तीस हो गए। और इसको कहते हैं काउंटिंग बाय टेन, यानी आपने फिर दस और रखे तो तीस के बाद ये चालीस हो गए, और चालीस में दस और डालें तो ये पचास हो गए, और पचास के बाद जो है अगला दस ऐड करेंगे तो सिक्सटी, साठ आएगा, और सिक्सटी के बाद अगर टेन और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सेवेंटी या सत्तर, और सत्तर में टेन और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एटी या अस्सी, और अस्सी में नाइन्टी और ऐड करेंगे, टेन और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा नाइन्टी, और 90 या 90, 90 में 10 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 100। तो इसी तरह देखें कि हमने 10 काउंटिंग बाय 10 स्किपिंग किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, और ये हमारे पास पूरे 100 जो है वो फ्लावर्स आ गए हैं। अब आपने यहाँ पे वीडियो रोक के आगे जो वर्कशीट आ रही है उससे खुद फिल करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको काउंटिंग जो है वो पक्की होगी आपकी। तो ये स्किप काउंट बाय टेन, आपने टेन टेन के बाद आगे जितना मर्जी है करते जाएं। और फिर अभी हमने सीखा टूज, फाइव और टेन, ये कैटरपिलर को नीचे तक फिल करें। तो प्यारे बच्चों, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसी तरह इंसान भी ज़ीरो ही होता है। अच्छे कितना भी वो पढ़ लिख जाए लेकिन अगर उसे अच्छे अखलाक नहीं है तो वो ज़ीरो है। वन लगेगा तो ज़ीरो की वैल्यू होगी। तो अच्छा किरदार और अच्छा इखलाक जो है वो इंसान को इंसान बनाता है। अच्छी आदतें डालें ताकि आपकी वो आदत पुख्ता हो जाए, और आप इंसान से अच्छे इखलाक की वजह से ज़ीरो से हीरो बन जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।